लोगों का वो सामने आ रहा है। उसी के साथ में बताया जा रहा है कि कुछ क्या पर प्रदेश परिवहन निगम की बस आ रही है और दूसरी जो सदा एक भयानक मंजर देखने को मिला, लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश। पहले दो बसों का आपस में टकराव हुआ जो कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, तो हमारे पास दो पेशेंट्स आ रहे शिफ्ट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सामान। उन पेशेंट्स में से तीन पेशेंट से जो डेथ ऑन स्पॉट हो गई थी, वो तीन पेशेंट्स में जिससे दो पेशेंट पठानकोट के हैं, एक राजपुरा का पेशेंट है, बाकी जो दूसरे पेशेंट्स हमारी इमरजेंसी में लाए गए थे वो आठ पेशेंट हमने यहाँ रखे हैं। सात पेशेंट हमने रेफर किए हैं, जो पेशेंट हमने रेफर किए हैं उनसे बहुत को बहुत ज़्यादा इंजरीज थी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, तो उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए शिफ्ट करना पड़ा। जो बाकी आठ पेशेंट हैं वो हमने यहाँ रखे हैं, उनका हम इलाज कर रहे हैं और बाकी उनको कि जो पेशेंट तो हमने रेफर किए हैं वो तो मैक्सिमम सीरियस थे, बहुत कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थे, लेकिन मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। तो ड्रामा में ये होता है कि जब बहुत मैसिव एक्सीडेंट होता है तो इन पेशेंट्स को एक डिटेल्ड वैल्यूएशन और डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, तो क्योंकि वो मल्टीपल ट्रामा था तो इन पेशेंट्स को तो हमने वहाँ रेफर करना था पड़ा, लेकिन इन पेशेंट्स को थोड़ी क्रिटिकल इंजरी है या जो एम्बुलेटरी है, तो वो आठ पेशेंट हमने यहीं रखे हैं, उनका हम इलाज करेंगे, उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे।